अब हम जा रहे हैं द्वारका के एक छावला वाले एक्सप्रेसवे पर जा रहे हैं। मोटर व्लॉगिंग मैं शुरू से करना चाहता था, बोलना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ पा रहा था। भाई साहब क्या पिकअप है यार बाइक में, अब मजा आ रहा है भाई मोटर व्लॉगिंग करने का। गाइस ये वही लोकेशन आ गई है जैसे कि अभी मैं बता रहा था। इस लोकेशन पे मैंने ड्यूक अपनी थी और NS 200 वाले के साथ रेस करी थी। भाई भाई आगे रोड कहाँ जा रही है यही नहीं पता चल रहा भाई मेरे को तो। आगे रास्ता है। व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। सो गाइस आज का व्लॉग का ये पर्पस है कि आज से मैं दोबारा से मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ, मोटो व्लॉगिंग के लिए मैं आपको बता दूँ, अभी तो स्टार्टिंग में मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक जैसे कि आपको पता ही है, स्टार्टिंग में मैंने शुरू में वीडियो डाली थी, उसमें हेलमेट में एक होल्डर वाला सेटअप तो मैंने खरीद लिया था, बट गोप्रो या फिर एक एक्शन कैमरा के लिए मेरे को थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल मैं फ़ोन से रिकॉर्डिंग करूँगा। तो गाइस आज के व्लॉग में प्लीज़ बने रहिए, मोटो व्लॉगिंग करूँगा आज से स्टार्ट। और हाँ, बीच में मैंने इसलिए मोटो व्लॉगिंग छोड़ दी क्योंकि रीज़न ये था, उसका माइक ख़राब हो गया था। माइक भी ऑनलाइन मंगवा दिया मैंने। एक सेकेंड आप वेट कीजिए, मैं आपको माइक दिखाता हूँ कैसा है। तो गाइस ये देखो, मैंने ये जो है माइक ऑनलाइन मंगवाया था, ये है AU 400 वाला माइक। ऑनलाइन अमेज़ॉन पर मैंने इसका क्या बोलते हैं प्राइस देखा था, 459 समथिंग ऐसे था, मैं आई गेस मेरे को याद नहीं है। बट ये माइक पहले भी मैंने यूज़ करा था और थोड़ा सा ये था कि ठीक ठाक आवाज़ आती थी इसमें, बाद में ये मैंने इसका थोड़ा सा केयर नहीं करी तो ख़राब हो गया। अब ये माइक मेरे हिसाब से ठीक लग रहा है। अगर आपको कुछ लगता है कि इससे भी बढ़िया माइक है तो गाइस प्लीज़ कमेंट करो वीडियो में, क्योंकि इससे भी अच्छे क्वालिटी वाले माइक मैं ख़रीदने को तैयार हूँ। बस ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए चलना चाहिए। सो गाइस क्या हाल चाल, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो रिकॉर्डिंग चल रही है मेरे फ़ोन से रिकॉर्डिंग हो रही है, और क्या बोलते हैं आप आवाज़ का भी कुछ नोटिस करा होगा आपने, बिल्कुल एकदम क्लियर आवाज़ आ रही है, साफ़ आवाज़ आ रही है। सुन लिया है, अभी मैं जा रहा हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे पर जा रहा हूँ, जो मतलब ये छावला वाली रोड है, आई डोंट नो मतलब उसका नाम क्या है, मैं भूल गया। गुड़गांव से छावला की तरफ जा रही है, तो उस पर एक बार ट्राई करते हैं यार, वहाँ पर जाकर देखते हैं, बिल्कुल अच्छी सी वीडियो भी बनेगी। भाई साहब क्या पिकअप है यार बाइक में, अब मजा आ रहा है भाई मोटो व्लॉगिंग करने का। जैसे ही आपको लग रहा है कि मेरी आवाज़ भी क्लियर आ रही होगी एकदम। भाई ये देखो ट्रैफिक वाले खड़े हैं। भाई ये देखो यार, ये है मस्टर रोड एकदम ड्रैग रेस करने के लिए। कोई है बंदा अपना बताओ यार ड्रैग रेस करने के लिए। 200 cc की सेगमेंट या 150 cc की सेगमेंट में हम तैयार है भाई ड्रैग रेस करने के लिए, नो प्रॉब्लम। बस ये है कि आप ये नीचे मैसेज करो, कमेंट करो यार कि ड्रैग रेस करने, बहुत बढ़िया लोकेशन है ड्रैग रेस करने के लिए। आगे आइए, तो चलो थोड़ा सा कर्व हो रखा रोड पर, नहीं तो आगे की रोड बहुत सही है यार। गाइस ये वही लोकेशन आ गई है जैसे कि अभी मैं बता रहा था। इस लोकेशन पे मैंने ड्यूक अपनी थी और NS 200 वाले के साथ रेस करी थी, और इस वाले रोड पर, इस वाले ट्रैक पर करी थी रेस। अभी तो आगे मेरे को लग रहा बंद लग रहा है भाई, पता नहीं आगे रास्ता है कि नहीं है यार, देखना पड़ेगा रास्ता। अब नीचे उतरें तो कैसे उतरें यार, उस तरफ जाना है और यहाँ से थोड़ा सा गड्ढा है, यह समझ नहीं आ रहा भाई आगे जाएं या ना जाएं, ट्रैक्टर आ रहा है। तो ये हो रही है गाइस अपनी ऑफ रोडिंग हो रही है, भाई देखो ऑफ रोडिंग चल रही है यार, बाइक से ऑफ रोडिंग कर रहे हैं भाई। इस लायक है नहीं ऑफ रोडिंग लायक, मजाक कर रहा हूँ। थोड़ा सा डर लगता है कि यार गीली मिट्टी होती है जो, उसमें थोड़ा सा स्लिप हो जाती है भाई, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं कैमरे में बिल्कुल एकदम आपको साफ सुथरा मिलेगा, लेकिन भाई एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा वो है, क्या बोलते हैं वो रहता है, चिकनी रहती मिट्टी, तो मिट्टी चिकनी के साथ साथ फिसलने का भी डर रहता है भाई। यहाँ पर जो एक मैंने YouTube शॉर्ट भी बनाया था बंदों का, वो क्या बोलते हैं यहीं पर ही आपने जैसे देख सकते हैं YouTube शॉर्ट करा था यहाँ पर। ये लोकेशन बहुत बढ़िया लगती है भाई यार, बहुत बढ़िया, यहाँ पर चाहे आप वीडियो बनाओ कुछ भी करो भाई, बहुत सही है लोकेशन यार ये। देखो आप सामने कितना बढ़िया व्यू आ रहा है भाई, एक बार अपने बाइक का भी ओवर व्यू दिखा देता हूँ भाई। देखो भाई अपने बाइक का व्यू, देखो लुक को देखो भाई अपने बाइक का दूर से, बाइक क्या मस्त लग रही है, एकदम परफेक्ट लग रही है। और आज ही धोई है मैंने, थोड़ी सी साफ़ करी है, अभी इसको वॉशिंग सर्विस के बाद ज़्यादा नहीं चला पाता हूँ। तो ये देखो लुक देखो यार पूरा ओवरऑल,
और गाइज यार अगर आप नए हो वीडियो में तो भाई यार चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, एयर व्लॉग्स चैनल है अपना। आप जैसा कंटेंट बोलोगे वैसा लेंगे आपके लिए। डेली व्लॉगिंग बस पॉसिबल नहीं हो पाता, कोशिश बहुत करेंगे डेली व्लॉगिंग की, डेली व्लॉगिंग पॉसिबल नहीं है। तो ये देखो इतना बढ़िया व्यू है भाई बाइक के लिए, एकदम मस्त है। थोड़ा सा खींच लिए थे गाइस, भाई भाई आगे रोड कहाँ जा रही है यही नहीं पता चल रहा भाई मेरे को तो, कहाँ रही है आगे रास्ता है यू टर्न के लिए है, कितना आगे जाना पड़ेगा या फिर यहीं से वापस ले लें? मैं आपसे पूछ रहा हूँ यू टर्न के लिए वापस जाएं या आगे से होगा यू टर्न? आगे से यू टर्न कितना दूर जाना पड़ेगा? फ्लाईओवर को पार करते ही हाँ जी। अब हम चलते हैं वापसी। भाई ये देखो पूरा खिंचा मारते एक बार, भाई साहब 111 तक पहुंचा दी थी और आगे पहुंचा देता, लेकिन यही है कि भाई वो नहीं है, यहाँ पर लोग आते बीच बीच में तो ये दिक्कत हो जाती है यार। सो गाइज आज का व्लॉग मैं यहीं रखता हूँ, कैसी लगी आपको वीडियो? वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी मैं आपको रेगुलर कंटेंट लाता रहूँगा, कोशिश रहेगी कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँ। बाय बाय, टाटा, आई एम साइनिंग ऑफ।